सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने, तो फटाफट चलते सामान वगैरह पैक कर, पूरा कपड़े वपड़े डाटे के वाले भी ले ली, क्योंकि ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है मोबाइल, तो फटाफट चलते हैं। अबे कपड़े रख लिए क्या? अरे अबे अबे ताला मार दे, ला दे, देख रहे हैं मुझसे पहले निकल गया जी, और मैं कह रहा हूँ कि ताला मारा लगा देते हैं। अब ताला ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है ताला वगैरह, कहाँ है, चलो ताला जी है। लाइट वगैरह बंद करते हैं और चलते हैं स्विमिंग पूल। चलो भाई लाओ गाड़ी। ओ सानू भाई, आया अपना प्लेन में नहीं गया है, क्या हो गया उसको? हमें क्या हो गया तेरे को? अरे कोई टेंशन मत कर यार, आज बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। भैया से पूछ रही है कौन आ रहा है? अरे और कौन? देखते हैं भाई कौन कौन जा रहा है। चलो भाई फाइनली आ गए हैं अपन पूल पे। वैसे कहां उतरूंगा भाई, इन्हें कहां उतार दिया यार, कहां उतरूंगा मैं, कहां लगा दी इसने, इसने कहां लगा दी गाड़ी यार, ओ इसने कहां लगा दी गाड़ी यार भाई। अरे कहां लगा दी, देखो ना भाई फोन से निकला हूं भाई मैं, देखो ना। चलो आ रहे भैया, आ रहे, आ रहे भाई, बोल रहे चले चट्टी उतार उतार के आना है। भाई नीलो नीलो पानी उतार के लगा लो, डूब गया जिसको लगाना। सानू भाई तू छोटे वाले में नहीं है, ठीक है? अबे अब इतना गंदा तो नहीं खाते रहेगा यार, ठीक है पर्सनल, ठीक है अबे पर्सनल ला रहा है वही बहुत है, कोई है नहीं है। चश्मा वाले चश्मा चल रहा है और बोल रहा है चश्मा डाल दे यार। बड़ा है भैया तो डल्ला हो रहा है मेरे। हेलो ब्रो, चश्मा लगा लिया मैंने, कहीं ला के कूदूंगा अभी। अच्छा तू लाया चश्मा, लाल कैसे लगा लगी सुना चश्मा चड्डी लाया भैया, भगवान कल खानू कोई शब्द नहीं बची मेरे पास, कहने में कोई शब्द नहीं कह रहा था, इतना प्यारा लग रहा है, अगर समझ रहा है ना मैं क्या करने जा रहा हूँ, भाई तो अभी हम लोग करने वाले एक चैलेंज, देखते हैं कौन जा रहे पानी के नीचे रहेगा, ठीक है? सुनो आए मेरे बाल में जैसे, ठीक है भाई जैसे, ठीक है देखना तीन तक गिनती में सारे नीचे हो जाएंगे, ओके भाई ठीक है। वन अरे भाई जो भी नीचे जो मतलब जो उठिया है ना वो शांत रहना, ठीक है? वीडियो में सब कुछ देख रहा है, ठीक है? जो पहले कर ना वो शांत रहना, जो लास्ट में लेकर आना वही। वन टू थ्री गो। भाई मैंने तो कर लिया चैलेंज और कर रहे हैं वासी चाचा इन सब से, वासी चाचा जीत जाएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि जा जल्दी पड़ रही है करने की, तो अरे पहुंच जाओ ठीक है। वन इकट्ठे तो ऐसा हो रहे, अरे सब इकट्ठे दिख नहीं रहे, एक क्या कर रहा हूँ अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, करूँ क्या करूँ? वन टू थ्री गो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, पानी के ज्यादा अंदर था। ओ भाई चच्चू आउट पहले भाई, पहले तो चच्चू पहले पे बाद सेकंड पे जीतेंगे ना, अब तक कर रहे हैं जिन्होंने। काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं।
हेलो भाई अब आपकी बारी। चलो भाई फाइनली ना लिया है, एक दो घंटे तो हो गए मतलब दो घंटे लाया कर चलते गाड़ी में। चलो बैठो 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 भाई, आज जो करते हैं इसने यार। चलो चड्डी गिली लगी है रे मेरी तो, चड्डी गिली लगी है मेरी तो। गुड आफ्टरनून गाइस, स्विमिंग पूल से आगे से सो गया था मैं क्योंकि तैर तैरने थके आते हैं भाई, तो नींद आ गई थी तो साढ़े सो गए सीधे। और अभी मेरे साथ अभय है और अपना भाई रील बनाने ही कह रहा है। चलो भाई चलते हैं रील बनाने, देखते कहाँ याद है रील बनाने आए अपन। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं हॉन्टेड प्लेस पे, पहले आते थे मैच वगैरह खेलने इधर तो बताते कि भाई इधर जो हॉन्टेड प्लेस है पता ठिकाना, तो आज जाके देखते हैं। अंदर नहीं आएंगे, अंदर जाएंगे किसी और दिन, ठीक है। और गया मेरी पट रही है जबरी से आना, वैसे ही डर लग रहा है जबरी से आना पड़ रहा है। ओके भाई समझे करो, भूत भूत का सवाल है चिपक गई तो कौन छुटाएगा। एक दो नहीं है भाई, सुनसान सी जगह है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसा लगता है ना हॉन्टेड प्लेस पे आए ऐसे बिल्कुल ची ची अलग ही, मतलब सुनसान बिल्कुल एरिया ऐसा ही एरिया है बिल्कुल सबका। तो भाई फाइनली अपन अपनी लोकेशन पे पहुँच गए हैं, और अगर वास्तव में सही दिखाऊँ ना सामने पूरा जंगल टाइप का एरिया है, मजाक नहीं कर रहा मैं, देखना भी ये देखो गाइस सामने पूरा भाई जंगल टाइप का एरिया देखो, जानवे कहाँ रहे देख रहे हैं गाइस। अब भाई इधर सुना था कि एक बावड़ी है तो उधर देखते हैं अपन, किधर है किधर है किधर है भाई भाई किसम डर बहुत लग रहा है भाई। अब तो चल रहा है ये मिस्टर इंडियन हैकर वगैरह अपने जो भाई साहब बड़े भैया वगैरह यूट्यूबर है जो कैसे वीडियो बनाते हैं छाती पे कुछ रख के तो भाई सीन भाई तो डर लग रहा है मेरे को। हैं सब पहले हैं सब पहले भूत के मारे तो सही बात है भाई। भाई इधर पहले सुनते थे कि भाई पांच फन का सांप रहता है कहीं बावड़ी में, भूत नहीं रहती वो फलान ढिकान, तो अभी मान लो हम इसके अंदर नहीं आएंगे, हम इसके अंदर जाएंगे कल या परसों, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ही क्या सिस्टम है। तो भाई ये जो दिख रहा है ना सामने भाई, इसके ऊपर जाना अपन को, ठीक है, इनके ऊपर ऊपर क्या रास्ता दिख नहीं रही यार, इधर से पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए हैं। हाँ तो भाई दिख नहीं रही, यहाँ से नहर भी नहीं आ रहा, इतना मतलब घास वगैरह हो गई है, कीड़े वगैरह का भी डर है यार सांप वगैरह का। तो भाई अभी तो फिलहाल जा नहीं रहे अपन, फिर यहीं पर डर लग रहा है, तो अभी चलते हैं अपन सीधे घर पर, ठीक है। डर तो लग रहा है ना बराबर बराबर भाई, बहुत डर लग रहा है, मैं आ नहीं कर रहा कसम से, पूरा जंगल टाइप का एरिया है ये देखो। और भाई ये सांप की बात थी ना, पांच फन का सांप रहता है, वो बात शायद इसलिए फैली क्योंकि भाई इधर शंकर जी का मंदिर है ना, तो उस मंदिर के ऊपर भी है ना पांच फन के सांप की ऐसे स्टैचू सी बनी है, तो शायद उधर से फैली होगी ये बात पांच फन के सांप की। अब भाई अपन तो कुछ कह नहीं सकते, सुनते आ रहे हैं सुनाते आ रहे हैं आपको भी, ठीक है। तो कल पक्का आएंगे इधर अंदर जाएंगे, ठीक है, आ जाओ अंक। अरे आएंगे क्यों नहीं आएंगे, हाँ टीम लेके आएंगे बाबू। तो ये सामने भूत से करते कर रहे हैं, देखिए जीने पीने भैया सभी भूत के आए, मजाक नहीं कर रहा मैं, ये देखा ना कैसा एरिया है, देखो पक्षियों की आवाज़ भी क्लियर सुनाई दे रही है, इतनी शांति है यहाँ पे भाई। क्या क्या है यार, जीने कैसे कैसे लगे हैं यार, बहुत खतरनाक है। तो भाई ये अपने शंकर जी का मंदिर, ये देखो सामने, और इसके ऊपर जो दिख रहा है ना भाई आपको सांप छपे हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम हुआ होगा इस चक्कर में, डरते होंगे बोलते होंगे भाई इधर पांच फन का सांप रहता है, अब पता नहीं भाई क्या है, कल अपन जरूर आके देखेंगे, ठीक है।
अभी चलते हैं सीधे घर पे। चलो भाई, चलो भाई, चलो। हर हर महादेव।